शनिवार को काली पठार क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना घटित हो गई, जहां 45 साल के व्यक्ति ने तनाव के चलते फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिससे 5 बच्चियां और एक बच्चे के सिर से अपने पिता का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ गया। 5 बच्चियों और एक लड़के के पिता मोहन लोधी शनिवार सुबह अपने 2 मंजिल मकान से फांसी का फंदा पहनकर छलांग लगा दी और लटक गए, जिसे आनन फानन में परिवार के लोगों ने सुबह देखा तो मोहन फांसी के फंदे से झूले दिखाई दिए। बड़ी बात तो यह देखने को मिली कि मृतक मोहन के पूरे शरीर में सुसाइड नोट बंधे हुए मिले, जिनमें मौत का कारण भी बताया गया। साथ ही कई लोगों के नाम भी मृतक ने सुसाइड नोट में लिखे हैं। इस संबंध में जब हमने मामले की जानकारी TI वीरेंद्र सिंह से लेना चाही तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोल पाने से मना कर दिया। इसके बाद हमने SDOP भारत भूषण शर्मा से मामले की जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि मृतक से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसकी जाँच की जा रही है। विदिशा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आज विशम्बरा कॉलोनी में एक मोहन लोधी 45 साल के द्वारा फांसी लगाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर से थाना प्रभारी शहर ने जाके मौका देखा और उसका PM कराया गया तो उसके तलाशी लेने पर एक सुसाइड नोट उसका मिला है, जिसको मर्ग रजिस्टर्ड करके और PM हुआ है, दाह संस्कार होने वाला है, उसको अंडर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। सर कितने पेज हैं सर, पेजों की जानकारी? नहीं, उसका तो सुसाइड नोट है, अब कितने पेज हैं ये क्या है उसका पूरा, उसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल लेकर कार्रवाई की गई। कुछ नाम भी हैं क्या सुसाइड नोट? हाँ, उसमें जो नाम होंगे, जो भी नाम होंगे उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंस के आधार पर निश्चित कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।